ये सौ इतना जानबूझ के कर रहा है, ऑफिस का बदला घर में निकालने की कोशिश कर रहा है, वरना इसे कहाँ इंटरेस्ट है जाने की बर्थडे पे। ये सिर्फ मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है और संगीता खाला को कह रहा है कि आप इस घर की बहू हैं। अल्लाह करे बॉस इसको ऐसा जलील करे कि इसकी नौकरी जाए तेल लेने, फिर मजा आएगा। अरे क्या हो रहा है, किस पे गुस्सा कर रही हूँ? कुछ नहीं दादी। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, खैरियत तो है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं दादी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा तुमने मुझे बात करने का मौका ही कब दिया था? अब बोलने के लिए रह क्या गया है दादी, आप संजीदा खाला से फेशियल करवा रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फेशियल तो मैं उससे पहले भी लेती थी, ये कौन सी नई बात है? दादी पहले की बात और थी, अब वो मेरी माँ की सौकन बन गई है। बेटा संजीदा मेरे लिए अब भी वही पुरानी ब्यूटी पार्लर वाली औरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा आपने उनको पैसे दिए? बिल्कुल दिए, वो ले नहीं रही थी लेकिन मैंने जबरदस्ती थमा दिए ताकि वो किसी गलत फहमी में ना रहे। खैर जो भी है दादी, ये ठीक नहीं है, आप किसी और से फेशियल करवा लेती, उनको फ्री करवाना जरूरी नहीं था। मैंने मना भी किया था अब्बा को, मेरी एक भी नहीं सुनी। तो जानी बहुत अजीज हो गया ना अब्बा को, उसकी सालगिरह मनाई जा रही है और ये साथ तो फसादी मरेंगे तब ये पैदा हुआ होगा। लगता है छोटे भाई की सालगिरह की वजह से कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। अपना मुंह बंद रखो तुम, एक नंबर के आस्तीन के सांप हो। वो तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि ऑफिस में जो तुमने हरकत किया है वो कोई आस्तीन का सांप ही कर सकता है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए साद। ओह लुक हूज टॉकिंग, एहसान फरामोश। क्या एहसान फरामोश, कौन से एहसानात की बात कर रहे हो तुम? हाँ मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई, कदम कदम पे तुम्हें सपोर्ट किया और तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया, वो भी बॉस के सामने। मेरी ना एक बात सुनो तुम, ये मेरी जॉब ना मेरिट पे लगी है और अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो कि तुमने मेरी जॉब लगवाई है। आया बड़ा या साहब, ये मैंने क्या देख लिया? वही जो मैंने देखा है। सारा दिन दफ्तर में इकट्ठे होते हैं, बातें करते होंगे, यहाँ भी बातें कर रहे हैं, ये कौन सी बातें जो खत्म ही नहीं हो रही? अरे तुम नहीं समझोगी, ये इश्क और मोहब्बत में ऐसे ही बातें होती हैं। हाँ। अच्छा जी है इश्क में शौकी की, या साहब को इतनी जानकारियाँ, अल्लाह माफ करिए परन शकील वाला बुखार तो चढ़ गया। रुबीना, सलाम अलैकुम। आजी आजी पापी, वालेकुम सलाम। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? पापी जी मैंने तो सारे डिस्टर्ब कर देने, तुसी करता तो की होया? मैं तो डिस्टर्ब ही हां। नहीं वो असल में तुम्हारे बर्तन भी तो वापस करने थे ना। हाँ बर्तन, खाली बर्तन कोई गल नहीं, गुजरांवाला में वैसे अगर खाली बर्तन को वापस करे तो इंसल्ट हो जाती है, लेकिन कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अब नहीं रुबीना मैं जरूर तुम्हें कुछ भेजती, लेकिन तुम्हें तो पता है ना आजकल के हालात जो चल रहे हैं, दिमाग में ही नहीं। नहीं नहीं भाभी जी कोई गल नहीं, ताड़े नाल केड़ा तकल्लुफ। मैं तो उंजी गल कर देती सी, तुहानू पता ना इस तरह तो गला चो गल निकलदी है फिर। हाँ वो अयाज भाई साहब आए थे ना साथ के लिए सारा का हाथ मांगने, क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी हमने भी अभी इन्फॉर्मेशन देखी है, नहीं नहीं फ्रेश। वैसे माशाल्लाह सारा कितनी लकी है ना, साथ जैसा लड़का मिल गया उसको। कहाँ किसी को मिलता है, माशाल्लाह बहुत लंबा हाथ मारा है। आई मीन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे जोड़ी कितनी खूबसूरत रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम सलाम, कैसी हो नाजिया? दिल जीतने के फन पे अगर दस तरस ना हो, दुखती रगों को छेड़ना दानिश्वरी नहीं। नहीं मिर्जा गालिब की सतेली फुपी, सीधा सवाल किया सीधा जवाब दे, की तू हर वेले सानू शेरो शेरी दे चक्रां च पाई रखनी है। मैं ठीक हूँ, शरबत पीजिए। मां सदके तू तो 5G दी स्पीड पर चल रही है, बगैर मंगी शरबत हाजिर। नहीं नहीं इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, अब मैं फिर कभी आऊंगी, फिर पियेंगे शरबत, ठीक है? टाटा टाटा।
बेटे मुंह तेरा सारा शरबत जाया करता, हुण तू ही पी मार याशियां कर साडे वाल बैठ के। जानी मेरे बेटे देखो तो जरा इतनी सारी शॉपिंग की है, सालगिरह की डेकोरेशन के लिए पूरे घर को सजाएंगे। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? कहीं आपका मुझसे काम करवाने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं, ये सब कुछ मैं खुद करूंगी। केटरिंग का भी ऑर्डर मैंने दे दिया है और वैसे भी साथ आने वाला है। साथ क्यों आ रहा है? मेरी हेल्प करने। वैसे इस सब तमाशे की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत थी मेरे बेटे, मैं इतने सालों तक तुम्हारी सालगिरह नहीं मना सकी हूँ, तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते। अस्सलाम वालेकुम संजीदा खाला। वालेकुम अस्सलाम। बस अभी जिम करके आया हूँ, फौरन चेंज किया और ऊपर आ गया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अब वो अभी एक्चुअली शर्ट खुली पहनी भी है ना, नहीं तो पंप नजर आता आपको। अब बताएं क्या क्या करना। अच्छा तो खाने का ऑर्डर तो मैं देती भी आई हूँ और केक भी जानी की पसंद का ऑर्डर किया है मैंने। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को शॉपिंग के लिए ले जाओ। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा इससे, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको एक प्रोटीन शेक का डब्बा लेकर देता हूँ, ताकि पता चले लोगों को कि अमीर खानदान का लड़का है, हाँ पे पीते खानदान का लड़का है। ठीक है, अच्छा ये लो शकील साहब का कार्ड है, इसको बहुत अच्छे वाले कपड़े बिल्कुल जैसे तुम पहनते हो ना वो दिलवा दो। और मेरी जान, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज का दिल चाहे, दिल खोल के शॉपिंग करना। चले? हाँ हाँ चले, मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा। कार्ड भी तो देखो यार, गोल्ड है, गोल्ड। चलो यार चलो। क्या बात, चलो टाइम इज मनी यार, चलो 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 चलो, चलो, चलो। वैसे तुम्हारी भी क्या किस्मत चमकी है जानी, पहले कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता था और अब तुम्हारी सालगिरह की तैयारियां हो गई। अरे साथ भाई, ये राज तो अब खुला है ना कि मैं असल में कौन हूँ, वरना मुझे तो हमेशा से पता था कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। वाह जानी, तुम नौकर से मालिक क्या बने, तुम तो फलसफे भी झाड़ना शुरू हो गए हो। रुको 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 रुको, आप क्या क्या कर रही हैं? उठो पीछे बैठो, मैं साथ चलूंगी। यार साथ भाई, मैं पीछे नहीं बैठूंगा। अच्छा एक सेकेंड, तुम साथ क्यों चल रही हो? क्योंकि इस जंगली इंसान के पास ना मेरे बाप का क्रेडिट कार्ड है और तुम तो भरोसे काबिल हो नहीं, इसलिए मैं साथ चली। वो ना मेरे भी बाप है। मैं नहीं मानती। What is so funny? ये जो तुम डिनायल मोड में हो ना, ये बहुत फनी है। और तुम जो ऑफिस का बदला यहाँ निकाल रहे हो ना, वो बिल्कुल भी फनी नहीं है। उठो पीछे बैठो। ऑफिस का बदला? अब जानी ये बातें ना आज नहीं करेंगे, आज तुम्हारी सालगिरह, आज सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये बातें हम बाद में करेंगे। ठीक, अब दे दो जगह इसको, चले जाओ पीछे, बच्ची है। जी? या साथ भाई, आप कह रहे हो जा रहा हूँ, ठीक है आ जाए बैठ जाए, आप भी क्या याद करेंगे। बच्ची है। बातें सुनो इनकी, मेरे पापा बच्ची के बच्चे, बताती हूँ। गेट खुलवाओ, खोलो खोलो गेट खोलो, गेट खोले खोले, जानी सेठ शॉपिंग पे जा रहा है। Thank you.
छोरियां हाँ छोरियों से मीठी गल्ला तेरिया नजरें लगी ना तुझे मेरिया तो सब देख लिया लेकिन ये देखना कि टाइम पे कंसाइनमेंट पहुंचे हमारी ठीक है ना ठीक वो फोन आ गया एक्सक्यूज मी ठीक हाँ सारा बेटा अब्बा आपको क्या पड़ी थी कि अपना क्रेडिट कार्ड जानी को दे दिया आपको आइडिया भी है वो क्या कर रहा है उसके साथ क्या कर रहा है बेटा मुर्दे का माल समझ के लूट रहा है बेलगाम घोड़े की तरह कभी एक दुकान में जा रहा है तो कभी दूसरी दुकान में जा रहा है पागल हो गया अरे बेटा मैं किसके लिए कमाता हूँ तुम लोगों के लिए ना तू शौक पूरा करने दो उसे अच्छा तो फिर ठीक है हेलो सारा जान के बच्चे को रुको मुझे भी शॉपिंग करनी है ऐसे क्या देख रहे हो मेरे अब्बा का क्रेडिट कार्ड निकालो अरे खरीदें जो खरीदना खरीदें मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है पक्की बात है हाँ हाँ दो ना और तुम ना अपनी औकात में रहो आया बड़ा मुझे इजाजत देने वाला अरे साद भाई आप टेंशन ना लें आपको भी कुछ खरीदना है ना मेरे उस वाले क्रेडिट कार्ड से आप खरीद लें कोई मसला नहीं है इतना खुला हाथ हाँ हाँ ये मौके ना बार बार नहीं मिलते मेरे बाप के कैश पे ऐश करें आपको भी पता लगेगा जानी सेठ की सालगिरह थी चले नाजिया मेरी बात तो सुनो सालगिरह मुबारक शुक्रिया इसमें क्या है इसमें मेरी शायरी का मजमूआ है जो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में लिखी थी लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम बदल जाओगे जानी अरे ऐसा तो मत बोलो नाजिया बदला यूं रंग उसने कि हैरत हुई मुझे गिरगिट को मात दे गई फितरत जनाब की अरे अरे सुनो तो जानी बस मुझे और कुछ नहीं सुनना और हाँ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना अरे अगर मानो तो एक मशवरा दूं बोले का अच्छा है अपनी और नाजिया की मंगनी का ऐलान कर दो आइडिया तो अच्छा जानी बेटा आओ केक तो काट ले ये पकड़ी एक मिनट मैं आ रहा हूं एक मिनट आ रहा हूं अब आप ये मुझे पकड़ा दे मैं रख दूंगा मजा आएगा ये क्या होलिया बनाया हुआ है क्यों अच्छा नहीं लग रहा मैं कपड़े तो ठीक हैं लेकिन ये टोपी क्या है ये तो मैंने शौक से पहनी है पहली बार बर्थडे मना रहा हूं ना अच्छा चले आपको लेने आया हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे तो है ना तुम्हारे माँ बाप दोनों बाहर हैं उन दोनों को तो मैं जानता तक नहीं हूं माँ बाप कैसे होते हैं मुझे तो पता भी नहीं है
मैंने तो सिर्फ बचपन से आपको ही देखा है, सारा बाजी की माँ के तौर पर। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। अरे माँ जैसी तो है ना, माँ कैसी होती है उसका हवाला तो आपने दिया मुझे। जानी तुम जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगा। जानी ढिठाई मत दिखाओ। आपसे बेहतर मेरी ढिठाई और कौन जानता है। अब चले वरना मैं केक नहीं काटूंगा। चले चल। अरे एक मिनट एक मिनट, पहले ये आंसू तो पूछ ले। चले भाई, मुबारक हो मुबारक हो। एक मिनट जरा। अच्छा तो आज इस खुशी के मौके पर मैं एक अहम ऐलान करना चाहता हूं। जायदाद मांग रहा होगा तारी। मैं अपनी और नाजिया की मंगनी का ऐलान करता हूं। मैंने मशवरा दिया था। जानी बेटा क्या कर रहे हो, मंगनी ऐसे थोड़ी होती है। ये अंगूठी सोने की है। हाँ। एक मिनट दिखाएं। अरे दिखाएं ना। ये ले, हो गई मंगनी। ओ वाओ। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं, तालियां बजे, तालियों का मौके बजे बजे बजे। देखो जानी बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है और तुम्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए ना। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, शादी तो मैं नाजिया से ही करूंगा। बेटा पर वो नौकरानी है। तो कल तक इस घर में मैं भी नौकर ही था। मगर अब नहीं हो। लेकिन वो अभी भी उनके घर की मुलाजमा है। मुलाजमा है? एक मिनट, वैसे तो मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये क्या बात हुई कि वो वहां की मुलाजम है तो उससे शादी नहीं हो सकती। सॉरी टू से, बहुत ही गलत सोच है आपकी। बिल्कुल सही कह रही है ये। और वैसे भी अब जानी और नाजिया तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें क्यों एतराज होगा। मेरा वोट तो जानी के हक में है। बहुत अच्छी। यास्मीन तुमसे किसने कहा कि यहाँ वोटिंग हो रही है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज लड़ना बंद करो। अगर जानी तुम्हारी सगी औलाद होता तब मैं तुमसे पूछती। शकील मुझे इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। भाई मुझे क्यों देख रही हो, उसने शक्ल नहीं देखनी, मेरा क्या कसूर है। यानी क्या कर रहे हैं आप लोग। अम्मा जानी क्या हो रहा है इस घर में, जानी क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं बोल रही। समझ गया मैं। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आप लोग खुश हैं? हाँ हाँ हाँ, हम तो डिप्रेशन में चले गए। अरे क्यों? शादी करके चली जाएगी, सारे घर के काम तेरा फुफड़ करेगा। क्यों? हाय अल्लाह, आपको अभी भी अपनी ही पड़ी है। तो और किसकी पड़ी होए, इस उम्र में सारे घर के काम तो मुझसे कराएगी। कुछ अभी आया है तुझे, छुटे मुँह तेरा। तो क्या मैं आपके चक्करों में शादी ही ना करूं? मेरी तरफ से जितनी मर्जी करें आप, खड़े घूम जाएं। अरे अंगूठी तो देख ले। परोमर चीप जी तूने की है। अरे अयाज साहब आप भी देख ले। अच्छी है, अच्छी है वो। मैं ना इस अंगूठी पे पूरी नजम लिखूंगी।
हाँ सारा बेटी, सब खैरियत है? नहीं दादा जान। क्या हुआ? वैसे घर में इतने मसले हैं, एक और मसला खड़ा हो गया कि जानी और नाजिया की शादी होनी चाहिए या नहीं। हाँ बेटा, मुझे अंदाजा था ये सब कुछ होगा। दादा जान आप प्लीज हेल्प करें। अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ? आप दादी को समझाए ना कि जो हो रहा है होने दें, क्यों वो सबके लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं? अरे अरे मेरी बच्ची, मेरी बेटी परेशान मत हो, मैं फौरन आ रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी दादी को समझ, हालांकि मैं काफी अरसे से समझाने की कोशिश कर, वो नहीं समझती, लेकिन अभी आ रहा हूँ मैं बस। ओके दादा जान बहुत अच्छे। साथ 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 तुम मेरे साथ चलो। दादाजी भाई साहब बड़ा नहीं लग रहा। छोड़ो भाई साहब को, तुम मेरे साथ ऊपर चलो चलो। पर क्यों? ये अपने बाप की तरह मुझसे सवालात मत किया करो। ये लो टॉफी निकाल के दो। आप टॉफियां खा रहे हैं? फिर वही, मेरे खाने पीने पे भी अपने बाप की तरह तुम तनकीद करते हो। चलो टॉफी दो। कौन सी, पीली वाली? हाँ ये ले। अब सुनो जल्दी ऊपर चलो, नहीं तो तुम्हारे बाप से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। है? क्या कहेंगे उनको? मैं कहूंगा ये किसी लड़की के चक्कर में है। पर मैं किसी लड़की के चक्कर में नहीं हूँ दादाजी। मैं शिकायत करूंगा, कम से कम उसको तुझ पे शक तो होगा। आजा मेरे साथ, इतनी जिंदगी अजाब बन जाएगी। अब्दुल गनी, तुम ये कह रहे हो कि जानी और नाजिया की शादी कर दी जाए? बिल्कुल। घास चर गए हो क्या? जानी और नाजिया का कोई जोड़ है? अरे रजिया सुल्ताना, ये फैसला तुम करोगी या वो करेंगे जिन्होंने शादी कर दी है? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई देख भाई, ये जहन पे जोर मत डालो, ये जो खोपड़ी में छोटा सा दिमाग है ना, इसको मत इस्तेमाल करो। तुम ये सोचो कि ये जानी की जिंदगी उसकी खुशियों का सवाल है, और उस बेचारे की सारी जिंदगी तो महरूमी में गुजरी है, जरा उसको खुश रहने दो। और हाँ, ठंडे दिल से इस बारे में सोचो और शकील को भी समझाओ, क्योंकि इस घर में तुम्हारी बात मानी जाती है। ठीक है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो वन फोन कॉल अवे है। चलते हैं, चलो मियां आप चले, मैं आता हूं। आ जाओ। वैसे दादी आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, उन दोनों का कोई जोड़ नहीं, और जानी के साथ वैसे भी सारी जिंदगी नाइंसाफी हुई है। अब अगर उसकी शादी एक मुलाजमा से करवा दी जाए तो वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बेटा यही तो मैं कह रही हूँ कि शादी हम पल्ला लोगों में की जाती है, तभी शादी चलती है। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अब इसमें कोई जात पात या बड़े छोटे का मसला नहीं है। मुझे बस लगता है कि शादी हम पल्ला लोगों में करनी चाहिए, तभी शादी चलती है। फसादी मरे होंगे तब तुम पैदा होयोगे। Excuse me? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुमने जानी को उकसाया था ना कि वो सबके सामने जाके नाजिया से शादी का ऐलान कर दे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी मोहब्बत के हक में हूँ। अच्छा, और अभी तुम दादी को बहका रहे थे कि वो ये शादी ना होने दे। क्यों? क्योंकि मैं और दादी एक ही घर में रहते हैं, और उसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें अच्छा मशवरा ही दूं। अपनी ना बकवास बंद करो, तुम सिर्फ फसाद मचा रहे हो, फसाद और कुछ भी नहीं। तुम्हें जो समझना है समझो, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। और वैसे भी सारा दुनिया ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बहुत से एरियाज ग्रे होते हैं। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आएगी ना, तब मुझसे बात करना। यहाँ से बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, हट। सारा बेटा सुनो, दो मिनट तुमसे बात करनी है मुझे। जी आयाज अंकल। तो इस बात पे लड़ रहे थे तुम दोनों? अब आप खुद बताएं, ये गलत हरकत है कि नहीं? फिर मैंने भी ना जिद में आके ऑफिस में साथ की शिकायत लगा दी बॉस से, फिर बॉस ने भी ऐसी क्लास लिया उसकी, याद रखेगा। ये क्या मामला है? आपको नहीं बताया साद ने? नहीं।
शो कॉज नोटिस मिला है जनाब को। वो क्यों? लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैंने साथ का साथ नहीं दिया ना तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। वाकई आप खुश हो रहे? अरे भाई, मैं तो कभी उसके नौकरी करने के हक में था ही नहीं। क्या मतलब? अगर मौका मिले तो साथ को नौकरी से निकलवा दो, मेरी पूरी इजाजत है। नहीं अंकल, ये तो गलत हरकत हो जाएगी। कुछ गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, किसी तरह उसे निकलवा दो। नहीं अंकल, मैं साथ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बेटा ये उसके भले के लिए है। क्या मतलब? उसकी जॉब चली जाएगी, कौन सा भला? मैं उसका बाप हूँ, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए बुरा सोचूंगा? नहीं, लेकिन आपकी बातें ना बड़ी अजीब लग रही हैं। कुछ अजीब नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मौका मिले तो उसे वहां से निकलवा दो। अच्छा। और फिक्र मत करो, तुम्हारे और साथ के ताल्लुक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके? जी अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। साथ ये मिस सारा ने आप पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। और इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर एक मीटिंग भी की है। और हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि या तो आप अपने तौर पे क्लैरिफिकेशन पेश कर दें इस सारे मामले की, या मिस सारा जो है वो अपने इल्जामात वापस ले ले। वरना एक ही रास्ता है और वो ये कि तुम अपना रेजिग्नेशन पेश कर दो। मिस सारा किधर है? सारा वो इसी फ्लोर पे। ये मेरा बैग मेरे ऑफिस में रखो। सारा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस अबीहा, आपको समझ में आ गया क्या कह रही हूँ? यस। सारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बॉस से बात हो गई? हाँ हो गई, इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। इस वक्त मैं बहुत अहम काम कर रही हूँ, बॉस नहीं दिया। वापस आके कर लेना। सॉरी, ये काम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी डेडिकेटेड नहीं हो तुम के बाद में ना कर सको, चलो मेरे साथ। और तुम ना इस पोजीशन पे नहीं हो कि मुझसे इस टोन में बात करो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा सॉरी, चलो मेरे साथ। पहले बोलो प्लीज। What? बोलो बोलो प्लीज सारा, आप मेरे साथ आए। प्लीज सारा मेरे साथ चलो। बेरो ये फजूलिया देखने की आदत तुम्हारी गई नहीं अब तक, अब्दुल गनी? अरे रजिया सुल्ताना, जय नसीब, आओ आओ भाई आओ। अरे भाई क्या कमाल करते हैं ये लोग, कार्टून के बारे में क्या क्या बता देते हैं। अपनी उम्र देखो, इस उम्र में तो तुम्हें खबरनामा देखना चाहिए के कार्टून। तुमने फिर वही बुड्ढों वाली बात की है। अरे भाई आदमी अगर खबरनामा देखेगा तो उसके तो दिमाग की दही हो जाएगी, इससे बेहतर है कार्टून देखे, रिलैक्स करे। और तुम्हें पता है ये कार्टून बनाने वाले क्या क्या कमाल दिखाते हैं भाई। बस बस, मैं यहाँ कार्टून की शान में कसीदे सुनने नहीं आई हूँ। अच्छा फिर कैसे आना हुआ, मेरी याद सता रही होगी है? ये जो कल तुमने मेरा ब्रेन वॉश किया कि नाजिया और जानी की शादी होनी चाहिए और सारा और साथ की शादी के बारे में कोई बात नहीं की। अरे इसमें कौन सी बात करनी है, ये तो साफ जाहिर है भाई, लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा दादाजी है? यानी कि हम अपनी लड़की तुम्हें दे दें और तुम्हारी मुलाजमा ब्याह कर अपने घर ले जाएं। हाँ फिर मुर्गे की वही एक टांग भाई, जानी उस लड़की को पसंद करता है क्या, ये बात काफी नहीं है तुम्हारे लिए? उसी के लिए तो परेशान हूँ, बेचारे ने सारी जिंदगी महरूमी में गुजारी है, मैं चाहती हूँ किसी अच्छी जगह उसकी शादी हो जाए।
रजिया सुल्ताना, सच सच बताना, ये तुम जानी की अच्छाई के लिए कर रही हो या अपने कथार्सिस निकाल रही हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो? पक्की बात है? हाँ? तो फिर मेरी बात गौर से सुनो, जो भी फैसला करना होगा बहुत सोच समझ के करना, दो जिंदगियों का मामला है।